विश्व स्तरीय पर्यटन स्थल चंबल रिवर फ्रंट का मुख्य आकर्षण चंबल माता की विशाल प्रतिमा तैयार हो गई है। भव्य उद्घाटन से पूर्व चल रही अंतिम चरण की तैयारी का हर रोज यूडीएच मंत्री शांति धारीवाल अधिकारियों से फीडबैक लेकर विशेष निर्देश दे रहे हैं। चंबल रिवर फ्रंट पर सबसे ज्यादा आकर्षण का केंद्र बनने वाली 242 फीट की दुनिया की सबसे ऊंची चंबल माता की प्रतिमा तैयार हो गई है। सचिव राजेश जोशी ने बताया कि प्रतिमा में वियतनाम मार्बल का उपयोग किया गया है। करीब 1530 में प्रतिमा का निर्माण कर स्थापित कर दिया गया है। प्रतिमा के आसपास लगे स्ट्रक्चर को एक दो दिन में हटा दिया जाएगा। इसके बाद प्रतिमा के पास इंस्टॉल किए गए भारी क्षमता के पंप का टेस्टिंग की जाएगी। भव्य उद्घाटन के साथ ही चंबल माता की संध्याकालीन आरती हर रोज की जाएगी। कोटा में पुलिस की धरपकड़ के दौरान एक अपराधी ने पुलिया से छलांग लगा दी। पुलिया से कूदने से अपराधी गंभीर रूप से घायल हो गया, जिसके बाद पुलिस ने उसे गिरफ्तार कर लिया। जानलेवा हमले के मामले में फरार चल रहे आरोपी रजत पांडे को गिरफ्तार करने के लिए पुलिस रेलवे कॉलोनी की बापू कॉलोनी की तरफ गई थी। इस दौरान रेलवे ट्रैक के पास आरोपी को पकड़ने का प्रयास किया तो अपराधी पुलिस को देख कर भाग गया। पुलिस ने काफी दूर तक अपराधी रजत का पीछा किया। भागते भागते आरोपी रेलवे ट्रैक के पास अंडरपास के नजदीक पहुंचा और अंडरपास की पुलिया से छलांग लगा दी। पुलिस आरोपी को हिरासत में लेकर अस्पताल में उपचार के लिए लेकर गई, जिसके बाद उसे गिरफ्तार कर लिया गया। पंचायत अंसारियन समिति कोटा का अध्यक्ष एक बार फिर लियाकत हुसैन अंसारी को बनाया गया है। आम सभा में लियाकत हुसैन अंसारी को छठी बार निर्विरोध सर्वसहमति से चुना गया। समिति के जनरल सेक्रेटरी पद पर अकील हुसैन अंसारी और कोषाध्यक्ष पद पर रिजवानुद्दीन अंसारी को भी सर्वसम्मति के साथ चुना गया। सभी पदाधिकारियों की समिति के सदस्यों और समाज के लोगों ने गर्मजोशी के साथ स्वागत किया। समिति के अध्यक्ष लियाकत हुसैन अंसारी लंबे अरसे से समाज के लिए निस्वार्थ होकर कार्य करते आए हैं। ऐसे में उनकी कार्यशैली को देखते हुए समिति ने फिर से एक बार फिर उन्हें अध्यक्ष बनाया। कोचिंग स्टूडेंट सुसाइड प्रकरण को लेकर राज्य स्तर पर बनाई गई कमेटी की आज कोटा में बैठक हुई। शिक्षा प्रमुख शासन सचिव भवानी सिंह देता वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए जुड़े और कोटा कलेक्टर व शहर एसपी सहित तमाम प्रशासनिक अधिकारियों को कोचिंग स्टूडेंट के बढ़ते सुसाइड के मामलों का फीडबैक लिया। राज्य सरकार की ओर से जारी की गई गाइडलाइन का सख्ती से पालना करवाने के प्रिंसिपल सेक्रेटरी ने निर्देश जारी किए। तत्काल रूप से कलेक्टर ने आदेश जारी कर आगामी 2 महीनों तक कोचिंग संस्थानों द्वारा करवाए जा रहे सभी प्रकार के टेस्ट और एग्जाम पर रोक लगा दी है। कोटा के सजदेड़ा बंजारा बस्ती कॉलोनी में आवेदकों को पट्टे देने में हो रही लेट लतीफी को लेकर आज स्थानीय पार्षद सलीना शैली ने नगर विकास कार्यालय के बाहर धरना दे दिया। पार्षद सलीना शैली पीड़ित आवेदकों के साथ काफी देर तक धरने पर बैठी रही और शिविर लगाकर इलाके के लोगों को पट्टा दिए जाने की मांग की गई। न्याय सचिव राजेश जोशी को भी ज्ञापन सौंपा गया। आगामी 6 सितंबर को शिविर लगाकर पट्टे बनाने का आश्वासन मिलने के बाद धरना समाप्त किया गया। आज नगर विकास न्यास के सामने आज हम धरने में बैठे हुए हैं, क्योंकि हमारी 40 से 50 फाइलें जो पूरी कंप्लीट है उनपे बस भावना मैडम के साइन होना बाकी है, लेकिन अन्यथा वो साइन नहीं कर रही है और 250 फाइलें लगी हुई है जिन पे कभी चयन नहीं आता, कभी पटवारी नहीं आता, इस वजह से वो अटकी हुई है। और जो हमारी मांग है, जो पूरी कम्प्लीट फाइलें हैं जिनके पट्टे पे भावना मैडम के साइन है, वो साइन जिनके पैसे जमा हो गए उनको तो पट्टा देना चाहिए। कोटा की खबरों से अपडेट रहने के लिए YouTube पर सब्सक्राइब करें कोटाखबर.com पर, और हाँ, बेल आइकन दबाना ना भूलें।